नाउ आई एम स्टार्टिंग टूडेज क्लास. ऑलमोस्ट 6 मिनट्स हो चुके हैं और आज हम लोग हिंदी का नया वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि हिंदी लिटरेचर. अभी हमारा जो इससे पहले वाला चैप्टर था मोर वाला, उसकी बुक एक्सरसाइज बाकी है, बट मैं वो आज नहीं करा रही हूँ. वो मैं आपको सेंड कर दूंगी जब वीडियो अपलोड करूंगी, देन आई विल सेंड दैट वर्क. वो आप वहां से कर लेना. आज हम लोग रीडिंग करेंगे. क्लियर? आज हम दूसरा चैप्टर करेंगे मैम. यस, मोर के आगे वाला जो चैप्टर है जुम्मन मियाँ का पजामा. तो ये एक अच्छा चैप्टर है, मैं चाहती हूँ कि इसे हम जूम क्लास में कवर करें. क्लियर? अगर यहाँ पे आपको प्रॉपरली विजिबल नहीं है, नहीं क्लियरली दिख रहा है, ओपन योर टेक्स्ट बुक ओपन कर लो. और टेक्स्ट बुक में ओपन पेज नंबर 92. क्लियर? एंड नाउ लिसन केयरफुली. रीडिंग आप लोग करोगे, और ऐसा नहीं है कि मैं एक पूरा पैराग्राफ रीड कराऊंगी. जितना भी मैं आपको बोलूंगी उतना रीड करोगे, और जब मैं दूसरे बच्चे का नाम लूंगी तब वो रीडिंग स्टार्ट कर लेगा. क्लियर? Yes, ma'am. You have to practice on your reading. रीडिंग की प्रैक्टिस इस बार किसी ने भी नहीं की है, तो अपनी रीडिंग को थोड़ा सा इम्प्रूव करो. सो दिस इज पेज नंबर 92, आपकी हिंदी लिटरेचर की बुक है. क्लियर? और ये आपका पार्ट 15 है, जुम्मन मियाँ का पाजामा. क्लियर? नाउ इन शॉर्ट आई वॉन्ट टू टेल यू, ये एक हास्य कहानी है. इट मीन्स इस कहानी को पढ़ के आपको हंसी आएगी. और दूसरी चीज ये कि इस कहानी में, गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग बेटा. जैसे क्या होता है, किसी की आदत होती है कि किसी चीज को बार बार रिपीट करने की, तो उसी तरीके से जुम्मन मियाँ को भी आदत थी हर बात को बार बार मतलब रिपीट करके वो हर किसी को बोलते रहते थे. और उस चीज की वजह से उनको क्या नुकसान हुआ उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है? सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम भारती. भारती, भारती अपने आपको पहले अनम्यूट करना, देन स्टार्ट रीडिंग. भारती, आप रीडिंग कर रहे हो क्या? यस मैम. यस, स्टार्ट इट. पीछे कोई नहीं बोलेगा. जुम्मन, यस, जुम्मन मियाँ, मियो बड़े, मियाँ बड़े, बड़े शहर, बड़े शहर में रहते थे. उनके बाकी सभी रिश्तेदार गांव में रहते थे, इसलिए वह अपने को बहुत ज्ञानी समझते थे. ओके. नाउ सी हियर, जुम्मन मियाँ थे वो शहर में रहते थे, और उनके जितने भी रिश्तेदार थे, इट मींस जो उन्हें जानते थे. यस जयंत, व्हाट यू वांट टू से बेटा? जयंत मैम, कौन सा पेज नंबर है? बेटा दिस इज पेज नंबर 92. क्लियर? तो उनके सारे रिश्तेदार गांव में रहते थे, इसलिए वो अपने आप को बहुत ज्ञानी मानते थे. वो सोचते थे कि वो शहर में रहते हैं, इसलिए वो बहुत कुछ जानते हैं. नाउ रिदम माथुर, उनका विश्वास. रिदम माथुर बेटा अनम्यूट करो पहले. यस, रीड करो. You all have to be ready for reading. सबको तैयार रहना है. जहां पे भी मैं बोलू वहां से रीडिंग स्टार्ट करनी है. क्लियर? जहां पहला वाला स्टॉप कर रहा है वहीं से आपको रीडिंग स्टार्ट करनी है. यस रिदम माथुर, स्टार्ट. उनका विश्वास था कि बार बार
कहने से ही बात का पूरा असर होता है, इसीलिए वे जब भी लोगों से बातें करते तब एक ही बात को बार बार समझाते। बार बार समझाते। ओके रिधा माथुर, अब वो उनका क्या मानना था कि आप जब तक एक चीज को बार बार नहीं बोलोगे तब तक किसी को वो चीज समझ में नहीं आएगी, तो वो हर चीज को बार बार रिपीट करते थे, तो ये उनकी आदत में आ गया था। क्लियर। नेक्स्ट जानवी। जुम्मन जी लंबे चौड़े व्यक्ति थे। एक बार उन्होंने अपना पाजामा सिलने के लिए दर्जी को कपड़ा दिया। दर्जी भी ठहरा उन्हीं की तरह होशियार। ओके बेटा, बस यहीं तक। तो उन्होंने, वो बहुत लंबे चौड़े थे हाइट में, तो उन्होंने एक बार दर्जी को पाजामा दिया सिलने के लिए, और दर्जी जितने होशियार वो थे उतने ही होशियार वो दर्जी भी था। ठीक है। जितेंद्र। दर्जी ने बिना नाप लिए ही जमुना मैया जुम्मन मिया सिल दिया। बेटा उनका नाम आप अच्छे से लो, जुम्मन मिया। ठीक है। जुम्मन मिया का पजामा सिल दिया, जिससे पजामा थोड़ा लंबा बन गया। स्टॉप। तो जुम्मन मिया का उन्होंने नाप तो लिया नहीं था दर्जी ने, वो वैसे ही बहुत इंटेलिजेंट था, तो उसने क्या किया, ऐसे ही सील दिया और वो थोड़ा लंबाई में ज्यादा हो गया। जयंत। जयंत। यस मैम। बेटा मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि आपको रीडिंग करनी है। मैम कहाँ से? क्यों आप क्लास में बैठे नहीं हो क्या? आपको नहीं पता बच्चे कहाँ पढ़ रहे? इसी से पता चलता है कि आप लोग क्लास में अटेंशन देते हो या नहीं देते हो। सॉरीश। यस मैम। रीड करो। जुम्मन मियां ने पजामा पहन कर। हाँ ये पजामा नहीं है सॉरी, दिस इज पाजामा, तीनों में आ की मात्रा है। पाजामा पहन कर देखा तो वे बहुत परेशान हुए। उन्होंने सोचा क्यों न इसे घर पर ही ठीक करा लिया जाए। ओके सॉरीश, स्टॉप हियर। तो जुम्मन मिया ने सोचा कि अब पजामा में थोड़ा सा लंबाई बढ़ा हुआ है, तो मैं वो घर पे ही बोल देता हूँ किसी को, तो वो उस पजामे को घर पे ही ठीक कर देंगे। खुशवंत। यस मैम। नहीं, रीडिंग स्टार्ट कर दो। Who is talking? यस खुशवंत। नहीं पता कहाँ पे रीडिंग है? नहीं पता। शौर्य। नहीं पता। शौर्य स्टार्ट रीडिंग। दर्जी को सही करने देगा तो फिर दर्जी को सही करने दूंगा तो फिर आठ दस दिन लगा देगा। पहले ही पाजामा सिलने में महीनों लगा दिए थे। ओके बेटा, तो वो दर्जी को इसलिए नहीं देना चाहता था क्योंकि पहले ही बहुत टाइम दर्जी ले चुका था, और अब वो वापस देता तो वो एक छोटे से काम के लिए वो 8-10 दिन और लगा लेता, इसलिए उसने सोचा कि घर पे ही किसी को बोल देता हूँ कि वो थोड़ा सा उसको काट के सही कर दे। नविका। नविका
स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा है कि आपको कहाँ से रीड करना है, और बुक भी अगर आपके पास है तो आप ध्यान रखो कि कहाँ पे बच्चा पढ़ रहा है। यस नाविका, अपने आप को पहले अनम्यूट करो और फिर बोलो। अगले दिन काम कर काम जाने से पर जाने से पहले जुम्मन मिया अपनी बेगम से बोले, अरे बेगम सुनो। अब्दुल यस अब्दुल स्टार्ट रीडिंग। पजामा बहुत लंबा सिल दिया है, उसे काटकर चार अंगुल मतलब चार उंगली के बराबर छोटा कर दिया कर देना देना। मात्राओं का ध्यान रखो, जब भी आप पढ़ते हो तो मात्राओं का ध्यान रखा करो। हितेंद्र हितेंद्र पढ़ो बेटा। उदय माथुर उदय माथुर सना। यस मैम स्टार्ट रीडिंग बेटा। हाँ हाँ ठीक है, शाम तक हो जाएगा। बेगम ने अपना काम करते करते वही से जवाब दिया। जुम्मन मिया ज पे ऊ की मात्रा है। ने सोचा कि बेगम दो 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 तो दो मिनटों में ही सब बात भूल जाती है। उन्हें याद रहा ना रहा। ओके हितेंद्र तभी बरामदे में बड़े बेटे की बहू दिखाई दी। यस आगे समीक्षा यस बेटा रीडिंग करो। यह कह वे बोले बहू सुनो। मैं बोलू समीक्षा ये बेटा आप रीडिंग क्यों नहीं कर रहे हो। बहू सुनो, तुम्हारी अम्मी तो ठहरी भुलक्कड़। मेरा नया पजामा चार अंगुल छोटा कर देना, भूलना मत। यह कहकर जुम्मन मियां आंगन में आए तो छोटी बहू और बेटी किसी काम में जुटे नजर आए। जुम्मन मियां
रिदम कनौजिया यस मैम यस आगे से पढ़ो जहाँ पे उसने छोड़ा है। जुम्मन मियां ने सोचा बड़ी बहू को तो अपने बच्चों से ही फुर्सत नहीं मिलती फुर्सत नहीं मिलती उसे वक्त मिलना मुश्किल है, इसलिए छोटी बहू और बेटी को यह काम सौंपना ठीक रहेगा। वे छोटी बहू और बेटी से बोले, देखो छोटी बहू और बेटी दुनिया, तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो, दर्जी ने मेरा पजामा बहुत लंबा बना दिया है। गौरांग यस गौरांग उसे चार अंगुल छोटा कर दे। रिदम कनौजिया बेटा आप अपने आप को म्यूट कर लो, डिस्टरबेंस आ रही है उसे। यस गौरांग यस मैम स्टार्ट रीडिंग। रिदम ने जहाँ पे छोड़ा वहां से स्टार्ट करो। उसे चार अंगुल छोटा कर देना, उसे चार अंगुल छोटा कर देना। अब जुम्मन मियां निश्चिंत थे मतलब अब उन्हें कोई चिंता नहीं थी। उनको लगा कि उन्होंने सबको बोल दिया है तो कोई ना कोई तो कर ही देगा, और उन्होंने घर में किसी को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने बेटी को भी बोल दिया, बड़ी बहू को बोल दिया, छोटी बहू को, अपनी पत्नी को, सबको बोल दिया कि चार अंगुल छोटा करना है। तो अब उनको कोई किसी भी तरह के निश्चिंत का मतलब होता है कि अब उन्हें कोई भी टेंशन नहीं थी कि वो होगा या नहीं होगा। उनको श्योर हो गया था कि अब उनका काम हो जाएगा। क्लियर? उन्हें लगा यस पजामा ठीक हो ही जाएगा। थोड़ी देर बाद जुम्मन मियां थी बेदम तो पट्टी का फरमान फरमान याद आया। मतलब ये क्या बोलते हैं, फरमान मीन्स उन्होंने फरमाया था कि मेरा पजामा छोटा कर देना, तो उसको याद आ गया। किसको? जुम्मन मियां की जो पत्नी थी, बेगम थी, उनको याद आ गया कि पजामे को छोटा करना है। ठीक है, उन्होंने अंदर टपदा काट लिया पजामा छोटा कर दिया और अलमारी में रख दिया गया। ओके तोषित रीडिंग करो आगे से। कुछ देर बाद बड़ी बहू को फुर्सत हुई, वह पजामा उठाकर अपने कमरे में ले आई। उसने भी पजामा चार अंगुल छोटा कर दिया। अब चार अंगुल तो जुम्मन मियां की पत्नी ने कर दिया था, और अब जो बहू फ्री हुई उन्होंने उसने भी आके चार अंगुल और छोटा कर दिया। क्लियर? इसके बाद वह भी पजामा संभाल कर उसी अलमारी में रख आई। सम्यक यस मैम रीड करो। अब छोटी बहू को अब छोटी बहू को याद आया तो उसने भी पैजामा काट कर चार अंगुल छोटा कर दिया और अलमारी में रख दिया। एक घंटे बाद बेटे को याद आया कि अब्बा जान का पैजामा ठीक करना है, तो उसने भी चार अंगुल कपड़ा काट कर सिलाई शुरू कर दी। उसी समय अरे सुपर फास्ट ट्रेन बाहर से सम्यक
सम्यक सांस ले लो बेटा थोड़ी सी बीच में। उन्होंने बेटी को पैजामा ठीक करते देखा तो मन में बहुत खुश है। मन ही मन बोले बेटी बाप का ध्यान रखती है। बेटी ने सिलाई पूरी की और पैजामा अपने अब्बा जान को दे दिया। ओके सम्यक स्टॉप हियर बेटा। क्या सुपर फास्ट आपने तो मतलब बीच में सांस भी नहीं ली जहां पे कॉमा था या फिर जहां पे लास्ट में रुकना होता है वहां पे भी आप रुके नहीं बिल्कुल भी। हाँ विराम चिन्ह और यहाँ पे रुकने होते हैं ना, थोड़ा सा स्टॉपेज लिया करो बीच में। ट्रेन भी तो अपने स्टॉप पे रुकती है ना। वो तो योगेंद्र अब कहाँ से करनी चलू सबको जिस किसी भी बोले जहाँ पे सम्यक ने खत्म किया है। मैम कहाँ पे खत्म किया है अब वो तो योगेंद्र बताएगा। योगेंद्र योगेंद्र आप रीड कर रहे हो या मुझे आज कॉल करना पड़ेगा मम्मी को? हेलो यस योगेंद्र मुझे नहीं पता कहाँ से। सम्यक से पूछो उसने कहाँ पे स्टॉप किया। सम्यक बेटा योगेंद्र को बताओ आपने कहाँ पे स्टॉप किया है। लास्ट वर्ड कहाँ पे था मुझे नहीं पता। मैं तो आप लोगों का सुन रही हूँ, मेरा काम थोड़ी है ये चीज ध्यान रखना। मैम मैंने इधर स्टॉप किया उसे खूब लेकर खूब चाप से अपने कमरे में पहुंचे उधर। योगेंद्र पता चल गया बेटा। मैं इधर से कमरे गए उसे लेकर खूब चाव से अपने कमरे में पहुंचे क्या योगेंद्र स्टार्ट। उन्होंने सोचा व्हाट हैपेंड सुहासी यस मैम। बेटा स्टार्ट करो रीडिंग। ओके मैम। क्या हुआ सुहासी? Start reading. Okay, ma'am. अब आप कर रहे हो या मैं स्टार्ट करूं? उन्होंने सोचा सैर पर जाते समय नया पाजामा ही पहनूंगा। उन्होंने पाजामा पहनकर देखा लेकिन यह क्या, पाजामा पहनते ही मियाँ जी ने सिर पीट लिया। वे जोर जोर से चीखने लगे। सुल्तान की अम्मी बड़ी बहू छोटी बहू रूबीना यह क्या कर डाला तुम सबने? मैं जुम्मन मियाँ हूँ या सर्कस का जोकर? दर्जी ने मेरा नाश किया तो किया लेकिन तुम सबने सत्यानाश कर दिया। मतलब जुम्मन मियाँ ने तो बिगाड़ा ही था पाजामा को और अब सबने मिलके पूरा ही बिगाड़ डाला। जुम्मन मियाँ इतनी जोर से चीखे कि सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। एक नए फैशन का उनका पाजामा देखकर सब लोग ठहाके लगाने लगे। शरारती बच्चे तो खुश होकर उछलने कूदने और ताली बजाने लगे। जुम्मन मियाँ जल भुनकर खाक हो गए। उस दिन से उन्होंने एक ही बात को बार बार कहने की आदत छोड़ दी। तो यहाँ पे ये स्टोरी खत्म होती है। कैसी लगी आपको? कुछ सालों के लिए मैं दूसरों स्टोरी कैसी थी? अच्छी थी। अच्छी थी। अब इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिला? क्या हमें कोई भी बात रिपीट नहीं करनी चाहिए और मतलब और लोगों को नहीं बोलनी चाहिए। इसके अलावा और भी कुछ सीखने को मिला होगा?
जोर से चीख नहीं निकालनी चाहिए, चीख नहीं निकालनी चाहिए। ओके okay. और और क्या सीखा? मैं किसी के पे हंसना नहीं चाहिए, किसी पे हंसना नहीं चाहिए। अब बेटा ऐसे ऐसे आप सीख बताओगे तो हंसी तो अपने आप आ जाती है, नहीं आती। दूसरों पर भी भरोसा करना चाहिए और चाहिए। और मैम अपने आपको ज्यादा ज्ञानी नहीं समझना चाहिए, अपने आपको ज्यादा ज्ञानी नहीं समझना चाहिए। किसने बोली इतनी ज्ञान वाली बात? इतना ज्ञानी मेरी क्लास में कौन था? खुशवंत। और कुछ सीखने को मिला? मैं बोलूं एक चीज, अपने आप को कभी बड़ा नहीं समझना चाहिए, अपने आप को कभी बड़ा नहीं समझना चाहिए। और और कभी कभी बुक को खोल के बुक में लिखी हुई कहानियां पढ़ लेनी चाहिए और पहले से रीडिंग भी कर लेनी चाहिए, ताकि जब ऑनलाइन जूम क्लास में रीडिंग करनी पड़े तो प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, दूसरे के काम में भरोसा दूसरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, दूसरों पर भरोसा करना चाहिए, अपना काम खुद करना चाहिए। टेल मी द नेम, किसने बोला अभी अपना काम खुद करना चाहिए? मतलब मुझे नहीं पता था मेरे क्लास के बच्चे इतने समझदार है। सम्यक ने, तो सम्यक आज अपना खाना भी खुद ही बनाएगा। मम्मी को फ्री कर दो आज, बोलना आज से अपना काम खुद करूंगा। मैं भी मनाऊं, ठीक है? सम्यक कर लोगे? ये जयंत शर्मा क्या हो रहा है बेटा स्क्रीन पे? आपकी ड्राइंग की क्लासेस नहीं हो रही है? योगेंद्र भी कर रहा है। योगेंद्र भी कर रहा है मैम। योगेंद्र को मुझे पता है ना, अभी रीडिंग करने के लिए बोला था, उसने एक शब्द नहीं बोला। योगेंद्र मैं कॉल करने वाली हूँ क्लास के बाद, मुझे आप ऑप्शन बता दो किसको करूँ, मम्मी को या पापा को? यस, नाउ लिसन केयरफुली। आज आपको हिंदी में इसके नए शब्द लिखने हैं अपनी नोटबुक में। क्लियर? ये नए शब्द नोटबुक में, आपकी हिंदी की नोटबुक में बेटा, क्योंकि मोर चैप्टर के बुक एक्सरसाइज बाकी है, वो आप बुक में करोगे, उसके क्वेश्चन आंसर्स आपको मैं करवा दूंगी। मैम बुक एक्सरसाइज, किस बुक एक्सरसाइज? नहीं, बुक एक्सरसाइज कुछ नहीं करनी है आपको, सिर्फ ये जुम्मन मियां का जो पाजामा है, इस चैप्टर का नाम डालना है, पार्ट का नंबर डालना है कि कौन सा पार्ट है, और उसके बाद कठिन शब्द लिख के आपको ये वाले जो 6 नए शब्द सीखो लिखे हैं, इनको अपनी नोटबुक में लिखने हैं विदाउट एनी मिस्टेक। नहीं, कठिन शब्द नहीं लिखने हैं आपको, नए शब्द सीखो जो नीचे लिखे हुए शब्दार्थ है ये, ठीक है? यस मैम। ये लिखे स्क्रीन पे। यस, अब अपना वीडियो ऑन कर लो एक बार सारे। अब आज कितने बच्चे ऐसे थे जो 2-3 दिन से छुट्टी मार रहे थे? ज्यादा हो गई है जोधपुर में। रिदम, रिदम कनौ जी, एक भी दिन। अच्छा, फीवर हो रखा है आपको? ओके बेटा, तो आप अच्छे से सर बांध के बैठे आज, एंड यू आर टेकिंग मेडिसिन और नॉट? यस मैम। नाउ आई एम टेकिंग योर अटेंडेंस। ये बाकी बच्चे जिनका वीडियो शो नहीं हो रहा है, एक बार अपना वीडियो ऑन कर दो बेटा, अपना बेटा ऑडियो ऑफ करना। यस मैम, वॉइस इज नॉट क्लियर। Okay, now it's clear? Yes, ma'am. Okay.
मैं एक बार अटेंडेंस ले रही हूँ, जिसका वीडियो ऑन है मैं सिर्फ उसकी अटेंडेंस ले रही हूँ, जिसका ऑफ है उसकी नहीं लूंगी. क्लियर? यस मैम. अभी भी तीन बच्चों का वीडियो ऑफ चल रहा है. पता है कि वीडियो सबका ऑन होता है, बट आप लोग क्या इस साल मजे कर रहे हो? कर रहे हो सारे? मैम सम्या योगेंद्र आकर्षिता जनेश क्या हो गया? मैम पहले छुट्टी चाहिए थी स्कूल में, लेकिन अब तो इतने छुट्टी मिल रहे हैं, अब स्कूल जाने का मन कर रहा है. कर रहा है अब स्कूल जाने का मन? अभी कई बच्चे yes, अभी और छुट्टी चाहिए. कोई बात नहीं बेटा, नाइन्थ क्लास से तो क्लासेस अभी स्टार्ट हो ही रही है, ऑर्डर आ चुके हैं और आप लोगों के भी जल्दी आ जाएंगे. क्या पता आप लोग अपने एनुअल एग्जाम स्कूल में आके दो तो. यस मैम. Not clear, but maybe there is chances कि अगर चीजें थोड़ी और ज्यादा बेटर हो गई तो हो सकता है आपके फाइनल एग्जाम आपके स्कूल में आके देने. Now listen carefully, अपना होमवर्क कंप्लीट रखना, क्योंकि आपका काम कंप्लीट होते ही या फिर बीच में कभी भी मैं रेंडमली किसी का भी नाम मैं बोल के आपका होमवर्क मंगवा सकती हूँ. एंड दैट पर्टिकुलर डे अगर मेरे को उसका होमवर्क नहीं मिलता है, देन आई विल पुट एब्सेंट. और उसके लिए मैं फिर मार्क्स भी दूंगी. सम्यक सुना बेटा? मैम ईवीएस आ रहा है ना इंग्लिश में, मैम मेरा काम ही नहीं हुआ. बेटा मैंने तो सारा काम डेट वाइज जैसे बोला गया है, जैसे आपका टाइम टेबल सेट है उसके अकॉर्डिंग भेजा है. अब उसको चेक करना, इट्स योर वर्क, इट्स नॉट माय वर्क. क्लियर? और सब में पोर्टल मैम मेरा सब में कंप्लीट है. और मुझे ये चीज पता चलती है कि कौन बच्चा काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा, क्योंकि कल जो भी वीडियोस आपको व्हाट्सएप पे सेंड हुए थे, स्टूडेंट पोर्टल पे तो कल किया नहीं था. सो वी गेट टू नो कि आप में से कितनों ने काम किया है और कितनों ने नहीं किया है. और डेली आपको मैम आई कंप्लीट वर्क इजीली कर लो. व्हाट हैपन? तो आसी कुछ कह रहे हो बेटा? मैम आई कंप्लीट वर्क. ओके. आज इसके अलावा आपकी ईवीएस की भी क्लास है जो मैं अपलोड करूंगी उसका वर्क, और उसमें अभी हमारा रीडिंग ही चल रहा है बर्ड्स चैप्टर का. क्लियर? तो जितना पढ़ाया जाए उसको ध्यान से सुना करो, क्योंकि एग्जाम में इट कैन बी पॉसिबल कि जो चीज क्लास में डिस्कस हो रही है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम दे सकते हैं. क्लियर? क्योंकि अगर आप क्लास में आते हो, क्लास अटेंड करते हो, और जो बच्चे नहीं कर रहे तो आपको कुछ तो बेनिफिट मिलना चाहिए उसका. yes, और कल क्लास लीव होने के बाद आप लोग क्लास में ही बैठे हुए थे क्या? No, ma'am.